हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कोविड-19 में, जबकि पूरे के पूरे शेयर्स धीरे धीरे करके नीचे आ रहे थे, वहीं पे ये वाला शेयर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था, बहुत ही अच्छी तरीके से बेनिफिट दे रहा था अपने शेयर होल्डर्स को। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिलते रहें। दोस्तों, अगर बात करें आज के इस वीडियो के अंदर, अगर हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व लिमिटेड के बारे में। अब दोस्तों, कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक ही कंपनी है और बजाज फिनसर्व जो कंपनी है वो भी एक ही कंपनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बजाज फिनसर्व अलग कंपनी है और बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक अलग तरीके से बिल्कुल ही काम करते हैं, और ये अलग अलग शेयर प्राइस के ऊपर अलग अलग तरीके से आईपीओ इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो आप इनके अंदर बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। अगर दोस्तों बजाज फिनसर्व लिमिटेड की अगर बात करी जाए, अगर आज की डेट में अगर आप इसको शेयर को बुक कर लेते अभी जब मार्केट ओपन हुआ, तो उस समय पे इस शेयर की कीमत थी तकरीबन 4700 रुपये, और अभी आप देख सकते हैं इस वाले शेयर की कीमत है 5400 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे तेजी इस वाले शेयर के अंदर आज देखने को मिली है। अगर आप इसको इंट्राडे पे खरीदना चाहते थे तो भी बेनिफिट आपको मिल जाता, और अगर आप इसको डिलीवरी पे खरीदना चाहते तो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर दोस्तों अभी की अगर तेजी की बात करी जाए, 4.21% की तेजी इस वाले शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों कंपैरिजन करें पिछले 5 दिनों से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गजब की तेजी इस वाले शेयर के अंदर देखने को मिली है 5 दिनों के अंदर। थोड़ा सा एक महीने का रिव्यू भी कर लेते हैं। अगर एक महीने पहले भी अगर आप देखते, 26 मई के दिन पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये शेयर नीचे गया था, तकरीबन 4000 रुपये गया था, और उसके बाद में कंसिस्टेंसली ये शेयर ऊपर की ओर आता गया है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से ये शेयर ऊपर आ गया और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बेनिफिट पहुँचाया है इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को। 6 महीने का थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे और दोस्तों देखेंगे कि ये शेयर कहां पे था और कहां पे कोविड-19 के कारण आ गया। सबसे नीचे अगर इस शेयर की अगर बात करिए, तो यहां पे कोविड-19 के कारण देखेंगे 24 मार्च को, जैसे ही 22 मार्च को लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद में 24 मार्च को इस शेयर की कीमत जो हो गई थी वो तकरीबन 4497 रुपये हो गई थी, और उसके बाद में कंसिस्टेंसली यहाँ पे उतार और चढ़ाव इस वाले शेयर के अंदर देखने को मिलते रहे। लेकिन दोस्तों अगर अभी फिलहाल की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही जून का महीना स्टार्ट हुआ, जून के महीने में स्टार्ट होते के साथ ही यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेजी इस वाले शेयर ने दर्ज करी है और काफ़ी अच्छे बेनिफिट अपने शेयर होल्डर्स को ये दे सकता है। दोस्तों अगर आप अपने इस वाले शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस शेयर के अंदर कितने दिनों के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल में बैलेंस शीट वगैरह की और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर कि किस तरीके से यहाँ पे इस शेयर के बारे में डिटेल्स बताई गई है और किस तरीके से आप यहाँ पे इस शेयर के अंदर बेनिफिट गेन कर सकते हैं। अगर दोस्तों BSE के अंदर अगर बात करें, BSE लाइफ के अंदर अभी शेयर की प्राइस चल रही है 5399 रुपये, 4.10% की तेजी के साथ में। और अगर बात करी जाए NSE के बारे में, तो यहाँ पे NSE के अंदर भी इस शेयर को सेम प्राइस पे आप खरीद सकते हैं 4.06 की तेजी के साथ में, जो कि एक अच्छी बात है। अगर दोस्तों बात करी जाए इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 79.57% की तेजी यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर देखने को मिल रही है आपको, और कंसिस्टेंसली यहाँ पे देखने को मिल रही है, कहीं पे थोड़ा सा 1% ऊपर है, कहीं पे 1% नीचे, जो कि एक अच्छी बात है। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात करी जाए, तो वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजर्व सरप्लस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने के लिए, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, और यहाँ पे किसी भी शेयर के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग की अगर बात करें, तो यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है अभी फिलहाल में, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा नहीं। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें, तो वो भी 0-0 है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस वाले शेयर को रखने के लिए। चलिए दोस्तों थोड़ी सी बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी डिटेल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर जाकर के, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट हम मनी कंट्रोल वालों को ही देते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर आकर के आपको ये सारी की सारी डिटेल्स बता रहे हैं।
अब दोस्तों अगर बात करी जाए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो ये ज़रूरी हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करना, क्योंकि दोस्तों किसी भी तरीके से अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की अगर बात करें तो वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको। अदर इनकम सोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप बात करें 25.51% की तेज़ी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले कितना था, पिछली बारी कितना था, वो 10% के आसपास था, उससे पिछली बार 11%, 9% और 11% के साथ में आप देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप इस शेयर को काफ़ी अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करके आप इसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं फिर आपको बता देता हूं, अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, कोई भी शेयर बेचते हैं, उससे पहले आप अपनी स्टडी भी कर लीजिए, कुछ वीडियोस देख लीजिए, और उसके बाद में जो भी आपकी पर्सनल ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंगली आप इस शेयर को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि कौन सा शेयर आपको बेनिफिट पहुँचा सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान होता है, अनुमानित तौर पर ही हम यहाँ पर पूरी की पूरी वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिल सकें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।